सफ़र ऐसे अजीब सा गुजरा है वापसी का, क्योंकि अभी काफ़ी सारा टाइम गुजारना था और भी, अभी तो खाना पीना भी था, ये वो सारा कुछ इन्जॉय और भी ज़्यादा से करना था। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का मेरा व्लॉग ये है कि आज मैंने ट्रिप पे जाना है और वो भी लोकल्स के साथ, मींस के पहले हम यहाँ पे जाते भी थे तो खुद ही अपना ट्रिप अरेंज करके कोई डेस्टिनेशन चूज़ किया और उधर ट्रिप पर चला गया। आज मैंने सोचा कि क्यों ना जो लोकल्स यहाँ के टूरिस्ट हैं उन्हीं के साथ ट्रिप पर जाते हैं, उन्हीं के साथ घूमें फिरेंगे, तो उन्हीं के साथ मैं ट्रिप पर आज जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इसमें बहुत एक्साइटमेंट भी है कि बहुत मज़ा आएगा और पहला एक्सपीरियंस है कि विद लोकल, जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो ये भी देखेंगे कि क्या सीन बनता है। और अभी कुछ चीज़ें आपको, ये जो आवाज़ फ्राई होने की आ रही होगी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं फ्राई कर रहा हूँ अपने लिए साथ, जो साथ पैक करके मैं खाने के लिए लेके जाऊँगा। तो आए पहले जो है वो खाने पीने की मैं चीज़ें फ्राई कर लूँ, बना लूँ और उसके बाद तैयार शेयर होकर इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और ये व्लॉग एंड ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं कम्प्लीटली रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं घर से निकल रहा हूँ, ठीक है, कि क्योंकि बिश्केक मैंने पहुँचना है और लेट नहीं होना, क्योंकि 8:30 वहाँ पे मीटअप पे जो पॉइंट है वहाँ पे 8:30 तक पहुँचना है। तो फिर मैं वहाँ पहुँच के आपसे मिलता हूँ, बाय बाय। ओके, तो फाइनली मैं अपने मंजिल पर पहुँच चुका हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग्लोबस, यही मीन्स के जो मुझे मीटअप पॉइंट बताया था वो यहीं पर है, और मेरे पीछे ये एक मशरूदका खड़ा हुआ है। मैंने अभी मैसेज किया कन्फर्मेशन के लिए कि यही मशरूदका है कि नहीं, तो मुझे जैसे कोई रिप्लाई आता है और जैसे ही कोई मिलता चलता है तो उसके बाद कंफर्म कर लेते हैं। उनको जो मैसेज किया था उसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया है कि आपको मींस के यहाँ पे जो गाइड है, जो कि गाइड करने वाला होगा, वो आपको मिल जाना चाहिए। तो मैंने भी दूसरे उन वाले मशरूदका से पूछा, उन्होंने कहा कि आपको आगे जाना पड़ेगा। तो फाइनली कन्फर्म हो गया कि यही मशरूदका है, तो मैं अपनी जगह पर पहुँच चुका हूँ और शाही गेट जो है खोल दिया गया, तो अभी मैं चलता हूँ अंदर। तो मैं मशरूदका में बैठ गया और अभी वेट हो रहा है जनाब, बाकी सारे इकट्ठे हो जाएं जो जो मेंबर्स थे। तो जैसे सब इकट्ठे होंगे तो यहाँ से इंशाल्लाह जो टाइम दिया हुआ है वो 8:40 का है, तो 8:40 पे निकल जाएंगे। और आज वैसे ये तारीख में लिखा जाना चाहिए कि मैं आज टाइम पे अपनी मंजिल पहुँच आया हूँ, ये तारीख में लिखा जाना चाहिए। हाँ जी, तो फाइनली सफ़र हो चुका है शुरू, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आएगा मुझे। तो कहाँ से निकलते वक्त मैंने ये नाइट्रो पकड़ी थी साथ लेज, और नाइट्रो का एज जैसे पाकिस्तान में स्ट्रिंग है तो यहाँ पे नाइट्रो है, तो ये सीन है, तो ये मैंने पकड़ लिया ताकि रास्ते में कुछ माहौल बनना चाहिए। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच आए हैं और काफ़ी जो है सफ़र मज़े करा है, आपको जो सिनेमैटिक्स उम्मीद है देख के मज़ा आया होगा जो रास्ते में मैं बनाता रहा हूं। तो आगे मज़ीद अभी हम जा रहे हैं, कहां जाना है अभी तो मुझे तो मालूम नहीं है, वही जो गाइडर हैं वो गाइड करेंगे और उस मुताबिक हम चलते हैं आगे, और आपको मैं साथ साथ अपडेट करता रहूँगा, तो बने रहिए। अच्छा, तो ये जो जगह है ये चुनकुर चुक, इसका नाम है जी चुनकुर चुक, वेयर आई एम प्रेजेंट। तो स्ट्रेट बिल्कुल ये जो चेयर लिफ्ट वाला सीन है सारा, चेयर लिफ्ट ही है, ये जिप लाइन वगैरह जो सीन है, और ये पहाड़ वगैरह आप देख सकते हैं कुछ जो बहुत ऊपर हैं वो अभी भी उनके स्नो ऊपर जमी हुई है ना। जो हमारे साथ मीन्स के ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें से कि छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से बच्चे भी हैं बीच में, और ये इंडियन सैम भाई हमारे, और हाँ जी, तो ये जो व्यू आप देख रहे हैं ना भाई, तबाही किस्म का व्यू है भाई, बहुत ही खूबसूरत मीन्स के बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है, ठीक है, फुल ग्रीनरी है यहाँ पे। अभी जैसे ही क्योंकि गर्मी आती जा रही है ना, मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ ख़त्म, स्नोफॉल ख़त्म, तो यहाँ पे एक मंथ के अंदर अंदर जोन से ना ग्रीनरी फुल टाइम आप देख रहे हैं, जैसे ये हर एक चीज़ ग्रीन हुई है इसी तरह। और वो जो ऊपर पहाड़ हैं जिस तरह अभी यहाँ पे स्नो है, ये कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे आए ना मीन्स के जब सर्दियों वाला सीन होता है, तो ये अभी जो ग्रीनरी है ना ये फुल वाइट स्नो, फुल टाइम स्नो, इवन कि इतनी इतनी स्नो होती है कि जो से आधा आधा जो सा पाँव जो सा ना बीच में बंदा का फंस जाता है, इस तरह स्नो होती है। मैं थोड़ा ना पेट पूजा कर लूँ, थोड़ा सा खा पी लूँ ताकि मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी है, एनर्जेटिक होके, ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने, कहीं ना कहीं तो जाएंगे सही। तो
मिलते हैं फिर खाना पीना करके। जब तक पेट साथ ना दे तब तक कोई काम नहीं करना चाहिए, पहले पेट को राजी करो फिर दूसरा काम करो, समझ आई? ये बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छा तो ये इस तरीके से मैंने पैकिंग की है इन सारी चीज़ों की, ये और ये टिशू वगैरह भी मैंने अंदर ठोंसे हुए हैं, और ये जनाब अपनी चीज़ें कोला केचप मेयोनीज, ये जनाब मैं मज़े के मैक्रोनीज भी रात में बनाए थे वो भी इसलिए आया हूँ, फिर सुबह मैंने उठ के ये लेग पीस वगैरह फ्राई किए हैं जो कि बाकी दूसरे बॉक्स में अभी दो भी रखे हैं। तो इसमें जो सबसे मज़े की बात ये हुई है कि मैक्रोनीज तो ले आए हैं लेकिन चमचे नहीं लेके, चमचे भूल आया हूँ घर, क्या करें। अच्छा तो मेरे साथ जो उनसे अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे लोकल्स आए हुए थे ना, तो मैं उनके पास गया और उनको मैंने बोला कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्पून है, तो उन्होंने मुझे एक स्पून दे दी है। क्या बात है जनाब, ये लगाया केचप और मेयोनीज साथ भी नगेट्स को, और ये नगेट्स आए, मज़ा ही आ गया भाई, मुबशर पुत्र मज़ा आ गया। हाँ वो देखिए वो झूले पे झूले वाम ले जा रही है, अभी मैं भी जहाँ पहुँचता हूँ और मैंने भी झूले लेने हैं भाई, अपने को भी झूले लेने हैं भाई, अपने से नहीं रहा जा रहा, तो चलते हैं। और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के वजह से। स्विंग का जो सीन है वो सेफ्टी फीचर्स के साथ है जनाब, ये इस तरीके से कि इसको पकड़ के बैठी है ताकि आप गिरने ना पाए। अच्छा तो जनाब ये झूले लेने का बहुत मज़ा आया जो आपने वीडियोस देखी होंगी, उम्मीद करता हूँ आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। और ये झूले झूले लेने के बाद अभी मेरा मूड है कि आपको मैं एक मिनट दिखाता हूँ कि वो अगर आपको लिफ्ट्स वगैरह जो नज़र आ रही हो दूर 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 वाली, तो वहाँ जाने का मूड है कि वहाँ जाके थोड़ा चेयर लिफ्ट का इंजॉय करते हैं, वो वाला चेयर लिफ्ट वाला व्यू आपको मैं देता हूँ, और साथ बिल्कुल मेरे बैकग्राउंड पर अगर आपको नज़र आ रहा हो कि पीक पे जो है सब वो देखिए, वहाँ पे जाने का मूड है, वहाँ जाके थोड़ा फोटो शूट करेंगे, थोड़ा वहाँ से आपको सिनेमैटिक्स का व्यू दिखाऊंगा और सारा और चेयर लिफ्ट का सारा। तो ये जो है टिकट वाली जगह है, तो यहाँ पे ये टिकट प्राइसेस लिखी हुई हैं कि अगर वन राइट ऑन स्काई लिफ्ट लेंगे तो 200 kg पर पर्सन है, और स्काई लिफ्ट जो ऊपर जा रही है और नीचे इसका टोटल 600 मीन्स के 600 पर पर्सन है सीन, ठीक है। अच्छा तो ये मैंने टिकट्स ले लिए, मैंने दिल रख लिया है जिप लाइन का भी और लिफ्ट का भी, तो आए चलें अब चलते हैं। ओके हमारे लिए जो है लिफ्ट रुक गई है और अभी मैं जो बैठता हूँ ये इसके ऊपर। ओके तो अभी मैं चेयर लिफ्ट पे बैठ चुका हूँ और चेयर लिफ्ट जनाब चल पड़ी है, तो आपको मैं बैक का व्यू दिखाता हूँ। आप व्यू चेक करें, बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत स्मूथली ये जो चेयर लिफ्ट है ना बहुत स्मूथली चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है जनाब, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और मेरे पीछे अगर आपको नज़र से नज़र आ रहे हो तो वहाँ पीछे से भी आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे मतलब टाइम होता जा रहा है और ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं टूरिस्ट आते जा रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा रौनक होती है उतना ज़्यादा मतलब इन्जॉय करते हो। हाँ जी तो अभी मैं पहुँच आया हूँ जनाब लिफ्ट से इधर बिल्कुल पीक पे, आप देख सकते हैं क्योंकि पीछे से आप व्यू देखें, और यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा है क्योंकि जितना आप ज़ाहिर है ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे उतनी ज़्यादा तेज़ हवा और ठंड मतलब पहले काफ़ी फील हो रही थी लेकिन अब इतनी फील नहीं हो रही, तो ये बहुत ही कोई खूबसूरत सा मीन्स के आप देख सकते हो कि जो व्यू है बहुत हाई क्लास। मैं दिखाता हूँ ये व्यू चेक करें आप जनाब, क्या हाई क्लास व्यू, क्लासिकल मीन्स के ये व्यू जो है ना ये चुनकर चुक में आपको जो आके व्यू मिलेगा बहुत हाई क्लास है, बहुत हाई क्लास मीन्स हर एक चीज़ के जो पैसे हैं वो यहाँ आके पूरे हो जाते हैं जब आप ये सारा व्यू देखते हो, और जिप लाइन पर जाने लगा हूँ और फ़ोन में साथ लेके नहीं जा रहा क्योंकि मुझे लग रहा है डर, ठीक है कि ये ना आज छूट गया तो भाई गया फ़ोन, तो अभी बस मैं जाने लगा हूँ जिप लाइन पर, ये वीडियो मैं दोस्त को कह रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड कर देगा बीच में ही, तो बस अभी मैं जाता हूँ आप फिर वहीं से वीडियो देखिए। तो मैं वापस आ गया हूँ जनाब जिप लाइन से और बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है, एकदम बिल्कुल स्मूथ गई है, ठीक है। एक तो मेरे था असल में फ़र्स्ट टाइम, तो मैं डरा हुआ था ना कि क्या सीन होगा, पता नहीं कैसे जाएगी क्या होगा, जिस वजह से मैं मोबाइल भी साथ नहीं लेके गया, लेकिन किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है जनाब, आप लोग जाइए और अपना मोबाइल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि साथ लेके जाएँ, आप सारे
कैप्चर कीजिएगा ब्यूटी और हर चीज़ अपने एक्सप्रेशन ये वो। मुझे थोड़ा बुरा फील हो रहा है कि मैं लेके नहीं गया और मैं आप लोगों के लिए अपने वो एक्सप्रेशन फीलिंग्स रिकॉर्ड भी उस टाइम पे नहीं कर पाया, तो इस टाइम के लिए सॉरी। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई मैं इस तरह के टूर पे आया और वहाँ पे जिप लाइन हुई, मैं ज़रूर लूँगा और उसको अपने हाथों से खुद रिकॉर्ड भी करूँगा। ओके हो गया। अच्छा तो बाकी अब हमें जो हमारे टूरिस्ट थे उनकी कॉल आ रही थी कि पाँच मिनट फिर भी मैंने जिप लाइन तो ले ली, ठीक है सब बस बेटा बहुत बड़े। और मैं पहुँच आया हूँ और ये मेरे पीछे जो आवाम जा रही है सारे हमारे साथ आए थे। अब ये पता नहीं कह रहे हैं बैक टू सिटी, समझ नहीं आ रही कोई। हालांकि जो टाइम था वो 5:30 का था वापसी का, लेकिन अभी तो 2 बजने और ये अभी बैक कर रहे हैं। पता नहीं कहीं और जगह जाना है या बैक हो रहा है घर जा रहे हैं, कोई अभी पता नहीं है मुझे, क्योंकि अब रशियन इतनी आती भी नहीं है। तो देखते हैं क्या सीन बनता है। बाकी यहाँ पे जो सीन था आपको सिनेमैटिक्स में दिखाए हैं और सारा कुछ अभी जो इंजॉय किया है बहुत VIP है, बहुत ज़्यादा VIP। और दूसरा ये है कि यहाँ पे बारबेक्यू के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल है। आप मीन्स के ग्रुप में आएँ तो आप VIP अपना बारबेक्यू कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आप मज़े से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और जो व्यू है, जो सिनेमैटिक्स यहाँ पे, फोटोज़ सब बहुत कमाल हाई लेवल के आप कर सकते हैं। हाय, और ये जो व्यू आप देख रहे हो ना, मतलब कि बादल भी हैं, पहाड़ियाँ और ये सब्ज़ा, यार ये जो है ना बहुत तबाही है, बहुत तबाही, बहुत ही खूबसूरत है। मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से जाने का सच्ची बताऊँ तो अभी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अभी पता नहीं ये टूरिस्ट का क्या सीन है, तो अभी देखते हैं। बहुत लेवल तभी बिश्केक वापस पहुंच आया हूँ मैं, ठीक है। उस टाइम मैंने टूरिस्ट जो था, जो गाइडर था, उसको मैंने बात की तो उसने बोला कि क्योंकि ये जो सारे साथ आए हुए हैं वो सारे अंकल आंटी थे, तो उन्होंने मुझे बोला है कि हम उन्हें वापस जाना है, तो इसलिए आप वापस जा रहे हैं और कोई सीन हो नहीं सकता और वहाँ पर कुछ नहीं बोला जा सकता, तो इसलिए चुपचाप वापस ही आया। आप मीन्स कि बुरा बहुत लग रहा है, सारा सफ़र ऐसे अजीब सा गुजरा है वापसी का, क्योंकि अभी काफ़ी सारा टाइम गुजारना था और भी, अभी तो खाना पीना भी था, ये वो सारा कुछ इन्जॉय और भी ज़्यादा से करना था। तो लेकिन क्या कह सकते थे, तो फिर वापस मैं बिश्केक पहुंच आया हूं। अब इसके बाद मैं सीधा जाऊंगा कांद घर वापस। तो बाकी पीन्स के ये है कि मैं आपको फिर रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप लोगों ने जाना है कि जो कांद वगैरह में टूर पे कहीं भी जाना है, तो अपने दोस्तों के साथ जाओ, खुद ही प्लान बनाओ, सारा कुछ अरेंज करो। और मे भी अब ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो बाकी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो हर किसी के साथ, बाकी भी हैं जो पहले भी जाते रहे हैं, जाते घूमते रहे हैं, कोई टेंशन नहीं होती। पता नहीं आज फिर मेरे साथ ये सारा सीन हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। आगे अब ये जो सीज़न है, ये मौसम है, ये सारा ये टूर्स वगैरह का ही है, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई टूर वगैरह चलते रहेगा। काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे अभी घूमना फिरना, और आपको मैं साथ ज़रूर दिखाऊंगा, आपको भी साथ अपने घुमाऊंगा, अपने साथ रखूंगा। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, ये सारे सिनेमैटिक्स, ये सारा व्यू, और आपको ये चुनकुरचों की ये सारा जगह बहुत पसंद आई होगी और आपने सारा कुछ बहुत इन्जॉय किया होगा मेरे साथ भी। तो फिर मैं अभी घर चलता हूँ क्योंकि थक चुका हूँ काफ़ी, क्योंकि रात को भी मैं सो नहीं पाया था, तो काफ़ी थका हुआ हूँ। तो बस अभी मैं घर वापस चलता हूँ। तो यही था आज का व्लॉग, तो मेरे इस व्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जी दबा के शेयर कर दें, और बाकी फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।